हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। हमने बहुत बार सुना होगा इतना परसेंट है, इस चीज़ का इतना परसेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली में परसेंट होता क्या है, ठीक है। तो परसेंट में दो चीज़ें छिपी हुई हैं, एक है पर, ठीक है, और एक है सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। ऊपर का मतलब जैसे हम सुनते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए 3 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है कि डिवाइड, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, किसी चीज़ का अगर हमें परसेंट निकालना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ होती है उसे हम हमेशा 100% में ही मेज़र करते हैं, मतलब 100%, हाँ 100% में ही हम उसको बताते हैं कि वो कितना परसेंट है। यानी 100% को ही हम क्या मानते हैं, कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 50%, मैंने कहा कि इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 50, और परसेंट मैंने भी परसेंट का मतलब क्या बताया, अपॉन 100, है ना, अपॉन 100 बताया। यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन में पूछता है कि 1/2 को परसेंट में चेंज करो, तो अगर 1/2 को परसेंट में चेंज करना रहता है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 50%। और अगर किसी परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें उसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ इसकी जगह क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और अगर कोई नंबर है हमें परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 20% दिया है, क्या करेंगे, 20/100 करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/5, ठीक है। अब पूछा जाएगी 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। फिर उससे 100% का अगर पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगी, 100/100 कर देंगे, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसीलिए 100% को कंप्लीट मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है। अब इसको अगर मैं परसेंट में चेंज करूँगी तो क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100%, ठीक है। तो इसी तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने बता दिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज़ 45, यानी पूछ रहा है कि 90 का कितना परसेंट जो है 45 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है यानी कि 45 को हम ऊपर करेंगे, और कितने में पूछ रहा है, 90 में पूछ रहा है, अपॉन क्या करेंगे, 90, और परसेंट पूछ रहा है यानी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 45 2 90 होता है, यानी 2 5 जो हो जाएगा, यानी 50% आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब, व्हाट परसेंट मतलब 90 का कितना परसेंट 45 होगा, तो 50% होगा, ठीक है। जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन जितने में पूछ रहा है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसी तरह कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, तो हम निकाल लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, 50% का मतलब मैंने क्या बताया, अपॉन 100, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 का मतलब एक्स माइनस वाई होगा, बराबर क्या दिया हुआ है, 30% का मतलब 30/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें कैंसिल करना आता है, इधर भी 100 इधर भी 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 इधर 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5x-5y = 3x + 3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इस 5y को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, ठीक है। और यानी x/y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4/1, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ x, x का मतलब क्या, 4 इज़ y, ठीक है। यानी y का x का कितना परसेंट क्या है, y है, तो y कितना है, 1, x कितना है, 4, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना जाएगा, 25%। यानी y जो है x का कितना परसेंट है, 25% है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा व्हाट परसेंट ऑफ x, तो जितने में निकालना मैंने क्या बताया, उसको नीचे लिखते हैं, और जिसको निकालना है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी 1/4
फोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुआ इफ 10% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 50% ऑफ बी इनकम, ठीक है। इफ सम ऑफ दियर इनकम इज 5000, देन बी की इनकम फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसमें कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि 10% ऑफ बी इनकम, यानी 10% का मतलब क्या हो, 10/100 है ना, किसकी, ए की इनकम बराबर है किसकी, 50% यानी 50/100 करेंगे, ठीक है। बी इनकम मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। अब 100 से 100 इधर कैंसिल हो गया, इधर 10 से 0 बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू 5b, यानी ए अपॉन बी अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 5/1, ठीक है। इफ सम ऑफ दियर इनकम इज 5000, ठीक है, ये हमने क्या निकाला, इनकम का रेशियो आ गया 5/1, और कह रहा है कि जो इनकम का जो सम है वो कितना है, 5000 है, यानी ये इनकी इनकम है फ्रैक्शन में, तो हम मान लेते हैं 5x और 1/1x, तो इसको हम क्या मानेंगे, 5x प्लस x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इनकम फाइंड आउट करनी है रेशियो में, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होगा। तो यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना है, 5/1, इसको हम क्या मानेंगे, 5x प्लस x बराबर कितना दिए, 5000 दिया हुआ है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ रेशियो में आती है उसको हम x या y के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे x या y भी लिख सकते हैं, 5y+y, ठीक है, कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5000/6, ठीक है। हमें बी की इनकम फाइंड आउट करनी थी, तो बी की इनकम कितनी है, इतनी है, जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, बी की इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स कितना है, 1 है, तो यानी कितना होगा, एक्स होगा। और अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ए की इनकम फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या होगा, 5 × 5000/6, ठीक है। तो एक इनकम कितनी हो जाएगी, 25000/6, ठीक है। तो ऐसे हम एक इनकम निकालेंगे और बी की इनकम, जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि जो रेडियस है वो 50% बढ़ रहा है, 50% का मतलब क्या हो, 50/100, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले जो एरिया था, यानी जो ओल्ड एरिया था, वो कितना था, 2 था, और बढ़ा कितना है, 1, ठीक है। जो 1 क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो जब इंक्रीमेंट हो, यानी जो न्यू इसका जो न्यू रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, 2 था, और बढ़ा कितना, 1, तो न्यू कितना आया, 3, और ओल्ड कितना था, मैंने क्या लिखा है, 2 था, ठीक है। ये रेडियस की बात हो रही है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया मैंने क्या बताया, अगर मैं न्यू एरिया की बात करूँ तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का मतलब कितना है, 3 है नया वाला, यानी कितना होगा, 9π आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओल्ड एरिया की बात करूँ तो कितना होगा, पाई आर का मतलब आर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4π, ठीक है। तो कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा, जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और पहले वाले से हम चेक करेंगे कि पहले वाले से हमसे पहले वाले से ही पूछ रहा है कि कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना। इंक्रीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5π आया, और जो पहला वाला था उसको हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 125%, ठीक है। यानी जो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ एरिया का वो कितना हुआ, 125%। मैंने कैसे किया, जैसे यहाँ पे रेडियस का दिया होता तो मैंने क्या किया, 50/100, क्योंकि 50% का मतलब क्या है, 50/100। यहाँ कितना, 1/2 आ जाएगा, ये जो नीचे वाला है वो क्या है, ओल्ड एरिया है, ऊपर क्या है, इंक्रीमेंट, यानी कितना बड़ा है, 1, तो ओल्ड कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 है, और न्यू कितना हो जाएगा, 1 बड़ा है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ मैंने एरिया फाइंड आउट किया, नया एरिया 9π आया, ओल्ड एरिया कितना, 4π आया। मैंने निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो पहले वाला एरिया है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, अगर आप किसी क्लास में, ऐसे स्कूल में, तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है, जैसे वहाँ पे क्या था, पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। जब भी कुछ आर स्क्वायर या कभी किसी दो चीज़ों की बात होती है, या कैसे कह सकते हैं कि
दो साइड को दे दिया जाएगा कितना बढ़ रही है और इतना घट रही है, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम इस तरह उसको निकालते हैं कि टोटल कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर स्क्वायर क्या है, दो बार है आर इंटू आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 50 ये भी क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि आर ही की बात हो रही है। तो एक्स भी क्या है, आर है, और वाई भी क्या है, आर है, और दोनों का क्या है, 50% इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस 50 प्लस 50, और प्लस क्या हो जाएगा, 50 × 50 अपॉन 100, ठीक है। 50 50 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, और प्लस इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी 125%, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 125% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे हम इस तरह से करें चाहे हम उस तरह से करें, ओके। अब ये फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, जैसे रेक्टेंगल का भी बोलेगा कि रेक्टेंगल की हमें पता है कितनी साइड होती है, दो साइड होती है, ठीक है, आमने सामने की क्या होती है, बराबर होती है। रेक्टेंगल में भी बोलेगा कि जो लेंथ है वो इतना बढ़ रही है और ब्रेथ इतना बढ़ रही है। तो हम शॉर्टकट से कैसे करते हैं, जितना वो बढ़ रही है और ब्रेथ जितना बढ़ रही है, उसके दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको करवाऊँगी। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए नंबर एक्स इज़ 10% लेस देन वाई, इफ़ कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई नंबर एक्स है वो क्या है, 10% लेस है किससे, वाई से, एंड वाई इज़ 10% मोर देन 125, ठीक है। सबसे पहले हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है किसी नंबर से रिलेट किया गया है, इसको निकालना ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कह रहा है कि वाई इज़ 10% मोर देन 125, तो 125 लिखते हैं, वाई को कह रहा है कि वो 10% ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा की बात होती है तो जितना ज़्यादा है उसको हम 100 से उतना ऐड करके हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ बोला 10% ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 110 करेंगे अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करेंगे। 10% की बात कर रहा है तो इसकी क्या, इसका क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा 12.5, अब जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, 125 में ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, 137.5। अगर हमें डायरेक्टली करना है तो जितना भी नंबर दिया उसको क्या करेंगे, 100 से ऐड करेंगे, तो 110 अपॉन 100 अब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भी आएगा 137.5, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20% दिया था तो हम क्या करते हैं, 120 अपॉन 100, 50% दिया था तो 150 अपॉन 100, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 137.5। उसके बाद कह रहे हैं इफ़ ए नंबर एक्स इज़ 10% लेस देन वाई, अब वाई से एक्स कितना कम है, 10% कम है, तो वाई की वैल्यू कितनी निकली है, 137.5 ही इसकी वैल्यू निकली है वाई की। वाई की दोनों से बता रही हूँ, अगर दिया होगा 10% कम है तो क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे, तो 10% इतना आ जाएगा। यानी इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम एक्स की वैल्यू, ठीक है। और किस तरह निकाल सकते हैं, जैसे 137.5 दिया है और कितना कम है, 10% इसका निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 113.75। अब 13.775 को हम 137.5 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसका आंसर होगी, यानी कितना आएगा, 123.75 किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। वाई की वैल्यू कितनी है, 137.5, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछा था तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 123.75। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%, देन चेंज इन हिज सैलरी, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे मैंने इसके पहले बताया था। मैंने क्या बताया था, जितना पहले इंक्रीज हो रहा है, तो मैं शॉर्टकट तरीके से बताती हूँ, ठीक है। कह रहा है कि जितना पहले पहले कितना इंक्रीज हो, 20%, यहाँ पर 20 लिखेंगे, कि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, टोटल चेंज का फॉर्मूला होता है, टोटल चेंज, ठीक है। और वो भी केवल दो दो वेरिएबल, मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज है देन डिक्रीज है, और जब तीसरा कोई आएगा तो उसके लिए अलग मेथड है, मतलब मेथड यही पर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो पहले भी हम दो चीज़ का समझे, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीज बोल रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 20, यानी प्लस 20 लिखेंगे, देन डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, -20। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 20 अपॉन 100, मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये क्या जगह कैंसिल आउट, प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आएगा,
-4%, ठीक है, तो उसकी सैलरी में कितना चेंज आएगा कि जो भी उसकी सैलरी थी उसमें क्या हो जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। अगर क्या होगा, पहले उसकी 20% इंक्रीज़ होगी, फिर 20% डिक्रीज़ होगी। ऐसे देखने में नॉर्मली लग रहा है कि पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, यानी जो सैलरी होगी वो सेम ही रहेगी, पर ऐसा नहीं होता। क्या होगा, -4% का डिक्रीमेंट हो जाएगा उसकी सैलरी में, ठीक है। तो ये चाहे सैलरी की बात हो या फिर किसी एरिया की बात हो, ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं इसको टोटल चेंज निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पे दियो टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को हम 1 घंटे में चेंज करें तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 1 2, या 15 से भी डायरेक्ट काट सकते, 3/4 घंटे आएगा, ठीक है। 45 मिनट का क्या मतलब हुआ, 3/4 घंटे, अब पहले कितना था 1 घंटा, अब 45 मिनट हो गया तो 3/4 आ गया, यानी टोटल कितना, 7/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, डे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जिसका निकालना उसको मुंह पर लिखेंगे, और टोटल कितना है 24 घंटे और मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7/4 × 24 × 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट सबसे पहले घंटे में चेंज किया, कितना आएगा, डिवाइड बाई 60 करेंगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से डिवाइड किया, कितना, 3/4 घंटा आ गया। 1 घंटा पहले से ही दिया था तो 1 + 3/4 करेंगे, यानी टोटल घंटे कितने आ गए, 7/4 घंटे। उसके बाद डे का पूछ रहा है, डे में कितना, डे में 24 घंटे होते हैं, तो जिसमें से निकालना है उसको नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना उसे ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंट निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज ₹75, द कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाई 4%, देन प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम टोटल चेंज निकालेंगे। टोटल चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज़ हो रहा है यानी +20 होगा, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद -20 × 20, सेम ही क्वेश्चन है, यानी कितना आया था उसमें, -4% का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट, है ना। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 75 थी, और इन दोनों के बाद क्या होगा, 4% का डिक्रीमेंट होगा, यानी 75 का हम क्या निकालेंगे, 4% निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को क्या करेंगे, 75 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72, यानी अभी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 72 आएगी। इसको दूसरी तरह करने का क्या मतलब, अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो 4% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 100 से हम 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 96/100, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली हमें 72 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ आके थोड़ा माइनस करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली हमें 72 मिल जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन, अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, 100 मानेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे उसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, वो थोड़ा लंबा है और इस तरह भी हम कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा है और इसको हम कंपटीशन के एग्ज़ाम में ही करते हैं, ये जो मैं टोटल चेंज वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, पता नहीं स्कूल में इसको सही मानेंगे या नहीं, तो मैं दूसरी तरीके से बता देती हूँ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, ठीक है, हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, यानी 100% मानते हैं, कोई भी चीज़ हम पहले 100% मानते हैं, फिर कह रहे हैं कि पहले वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 20%, ठीक है, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितना हो गया, द कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, यानी पहले कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि 20% मतलब 120 होगा, और उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ कितना, 20%, यानी 120 में कितना डिक्रीज हुआ, 20%, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 × क्या करेंगे, 80/100 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 96 आएगा, ठीक है, 96 आएगा, उसके बाद हम प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो क्या करेंगे, पहले हमने कॉस्ट कितनी मानी थी, 100, अभी जो डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद जो कॉस्ट है वो कितनी है, 96,
तो 100 को किसके बराबर दिया हुआ है, 75 के बराबर दिया हुआ है। हम 96 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 75 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा 96, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 72। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानेंगे, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20%, उसमें फिर कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 20%, तो 96 हो गया, और हमें 100% यानी इनिशियल वैल्यू हमें 75 दी हुई है। दोनों को इक्वेट करा के हम 96 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 96 ही क्या है, प्रेजेंट कॉस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दियो द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन 5/12, वॉट वॉज द ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ इफ द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, मान लेते हैं जो भी फ्रैक्शन है वो कितना एक्स है और वाई है। ठीक है, कह रहा है कि क्या हो रहा है, पहला इंक्रीज हो रहा है 200%। ठीक है, यानी कितना 200% इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले कितना रहा होगा 100% रहा होगा। कोई भी चीज़ सबसे पहले क्या होती है, 100% होती है, और 200% इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना इंक्रीज होगा 300 होगा, 300%। उसके बाद नीचे वाला कह रहा है कि 350 बढ़ा है, यानी कितना हो जाएगा 450 बढ़ेगा। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ 5/12 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और ये कैंसिल होगा 15 से, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आएगी 5/8। ठीक है, यानी वो फ्रैक्शन वही है, 5/8 है, जिसको पहले इंक्रीज़ किया जा रहा है न्यूमरेटर को 200%, डिनोमीटर को 350%। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमीटर पता ही, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को कितना इंक्रीज़ किया 200%, और पहले से कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 200%, जैसे वहाँ पे कहता था 10%, तो हम क्या करते थे 110 करते थे, है ना। तो यहाँ पे 200 बोला तो हम क्या करेंगे 300 करेंगे, यानी 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पर्सन हैव ₹100। ठीक है, किसी भी पर्सन के पास क्या थे 100 रुपये थे, उसने क्या किया 20% फास्ट फूड पे स्पेंड कर दिया, 40% रेंट पे, और 20% ऑन ट्रांसपोर्ट, देन हाउ मच मनी ही सेव्ड। तो सबसे पहले कितना था, 100 रुपीज़ थी उसके पास, ही स्पेंड 20% ऑन फास्ट फूड। 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, देखो 20% कितना होगा 20 ही होगा। ठीक है, तो यानी 20 रुपीज़ वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, फास्ट फूड। उसके बाद जो 40% है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, 100 का 40% कितना होगा 100, और इसका 40% 40/100, 40% मतलब 40/100, 100 से 100, यानी 40 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ वो कहाँ पे खर्च करता है, रेंट पे, और 20% ऑन ट्रांसपोर्ट। 100 का 20% कितना होगा, 100 × 20/100। ठीक है, तो क्या 20 कहाँ पे खर्च कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है। तो कह रहा है कि उसके पास कितनी मनी बची हुई है, टोटल उसने कितना खर्च किया, 426 280, यानी उसने क्या किया 80 रुपीज़ उसने क्या किया खर्च कर दिया, बचा उसके पास कितना, उसके पास सिर्फ 20 रुपये बचा है। ठीक है, यानी कितना बचा है 20 रुपये बचा हुआ है उसके पास। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हुआ व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 27% को क्या लिख सकते हैं 27/100, 36 को क्या लिख सकते हैं 36/100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 5/9 और मल्टीप्लाई बाई 4500। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 5 से 2 से, ठीक है, और 4 से 9 से, यानी कितना आंसर आएगा 27। इसका आंसर जो आएगा 27 × 9, यानी कितना आएगा 243। ठीक है, यानी 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500 कितना आएगा 243 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसे दिया हुआ है कि गौरव स्पेंड 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस, 20% ऑन बुक्स एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। ही सेव्स ₹450 विच इज़ हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस बुक्स ट्रांसपोर्ट, हाउ मच मनी डिड ही गेट फ्रॉम हिज फादर। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा।
तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि गौरव ने स्पेंड किया 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस। गौरव स्पेंड 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस। मान लेते हैं अपने फादर से कितना लेता है, 100 लेता है, और 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल, यानी इसका जो 40% यानी कि वो कितना हॉस्टल एक्सपेंसेस पे वो इन्वेस्ट करता है। उसके बाद 20% ऑन बुक्स, ठीक है, और 20% कितना बुक्स पे करता है, ठीक है, 20% ऑन बुक्स एंड स्टेशनरीज एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। अब मैंने क्या माना था, 100 माना था, अभी उसने कितना खर्चा किया है, 60 किया है, बच्चा उसके पास कितना है, 40। 40 का क्या, 40 का कह रहा 50% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग हमारे पास कितना 40 बचा है। अब इसका 50% बोल रहा है, इसका 50% कितना होगा, 20 होगा, यानी कि 20 वो कहाँ खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। एंड ही सेव्स ₹450 विच इज़ हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस, यानी अभी उसके पास कितना बच रहा है, 450 बच रहा है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो उसके पास कितना बच रहा है, 20% बच रहा है, ठीक है। लेकिन वो अगर रुपीज़ में देखेंगे तो कह रहा है कि वो 450 बचा रहा है, ठीक है, 50% एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, एंड ही सेव ₹450, जो कि क्या है, हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस। हॉस्टल एक्सपेंस पे कितना खर्च करा, 40, और उसका हाफ कितना, 20, यानी वही आएगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो 20% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 450 दी हुई है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसी रूप विच इज़ हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे 20% है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ही सेव्स 450 विच इज़ हाफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस बुक्स एसेट्रा एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग उसके पास 20% बच रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो 450 है वो किसके बराबर है, जो भी बच रहा है उसकी भी, उसके हाफ के बराबर है, यानी 20% बच रहा है, तो किसके बराबर है, 10% के बराबर, यानी वो 10% कहीं और भी खर्च करता है, और उसके बाद जो फाइनली बचता है वो कितना बचता है, 10%। तो यानी 10% की जो वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है, 450 दी हुई है अपने फादर से। उसने मैंने माना था कि 100 रुपी, 100% वो लेता है, तो 450/10 इंटू क्या करेंगे, 100, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 4500, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया, कोई गौरव था, उसने अपने फादर से कुछ रुपए लेता है, और जब वो लेता है तो वो क्या करता है, 40% क्या करता है कि वो हॉस्टल के जो भी एक्सपेंसेस है उसमें देता है। उसके बाद वो 20% बुक्स एंड स्टेशनरीज में खर्च करता है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मैंने क्या माना, 40% खर्च करता, तो मैंने माना उसने अपने फादर से 100 लिया, 100% लिया, 40% खर्च करता है हॉस्टल पे, और 20% बुक्स एंड स्टेशनरीज पे, 4 2 6 यानी कितना हो गया, 60, यानी 60 उसने क्या किया, खर्च किया, बचा कितना उसके पास, अभी 40 बचा है। आगे बोल रहे हैं कि वो यानी 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 40 का 50% कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो 20% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके पास ₹450 बचते हैं, जब वो जो भी अभी उसके पास बचा है उसका हाफ, ठीक है, कह रहा है कि सेव 450 विच इज़ हाफ द रिमेनिंग अमाउंट, वो सारे खर्चे करने के बाद, यानी वो 10% कहीं और भी खर्च करता है, ठीक है, यही बोल रहा है, क्योंकि 20% का आधा कितना, 10% होगा, और 10% की वैल्यू हमें 450 दी हुई है। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज़ द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी नंबर था उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3/5 से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से, मल्टीप्लाई किससे किया गया, 3/5 से, ठीक है, अपॉन ओरिजिनली कितना था, 5/3, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हमें परसेंट से फाइंड आउट करना था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल जो मिलेगा वो मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16/15 अपॉन 5/3 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 64%, ठीक है, यानी 64% का क्या होगा, एरर आएगी, ठीक
ठीक है, तो 5 बाई 3 से हम करना था 3 बाई 5 से क्या, मैंने दोनों को माइनस किया, ओरिजिनली कितना था मतलब जो एक्चुअली हमें करना था वो कितना था, 5 बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 64% की एरर आएगी। ठीक है, इसको करने के और भी मेथड है कि जैसे 3 बाई 5 है, 5 बाई 3 है, तो इसको हम 3 और 5 का नीचे जो कितना दिया हुआ, जैसे 5 बाई 3 दिया है और 3 बाई 5 दिया, नीचे 3 और 5 का ऐसा कोई मल्टीपल नहीं, यानी 15 लेते हैं, तो 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, फिर इधर भी करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी हमें लाना 25 था लेकिन आया कितना, 9। नहीं, एक एग्जाम्पल लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 9 9 आया, फिर दोनों को माइनस करेंगे, 16/25 आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पे भी क्या जाएगा, 64%। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया, पी 6 टाइम एज लार्ज एज क्यू, देन बाय हाउ मच परसेंट इज क्यू लेस देन क्यू पी। ठीक है, यानी क्यू कितना लेस है, तो पी को कह रहा है कि 6 टाइम, 6 टाइम्स का मतलब मान लेते हैं 6 और क्यू को मान लेते हैं क्या, 1। ठीक है, टाइम्स क्या है, तो कहीं ना कहीं एक्स हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो पी क्या है, 6 टाइम्स है और क्यू से बड़ा है, तो पूछ रहा है कि क्यू कितना लेस होगा, तो दोनों में कितना अंतर है, 5 है, पी के से पूछ रहा है, यानी जिससे पूछे उसको नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना आ जाएगा, 250/3%, यानी ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बस इतने से परसेंट में और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।